नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव हो या प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा सपा प्रमुख अखिलेश यादव है। साल 2012 में वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ये कहानी उस समय शुरू हुई जब इमरजेंसी लागू होने के बाद पूरे भारत में राजनीतिक हलचल मच गई थी। इस दौर में दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर यूपी के इटावा में भी तनाव था। इमरजेंसी लागू होने के थोड़े दिन बाद उत्तर प्रदेश के उभरते और नौजवान नेता मुलायम सिंह यादव को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन घर वालों को मुलायम सिंह यादव से ज्यादा फिक्र किसी और की थी, और वो कोई और नहीं 2 साल का नन्ना टीपू था। राजनीतिक उठापटक के बीच घर वालों की आंखों के तारे बने नन्हे अखिलेश को नहीं पता था कि उसे एक दिन देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया बनना है। प्रदेश में ही नहीं, देश में समाजवादी सियासत का एक मकाम बनाना है, मुलायम परिवार की पहचान बनना है और राजनीति में अपना नाम कमाना है और खुद को एक सियासी ब्रांड बनाना है। अखिलेश को राजनीति पिता मुलायम सिंह यादव से मिली, बावजूद इसके अखिलेश में खुद ऐसा क्या है जो उन्हें देश की सियासत के पहले नेताओं में खड़ा करता है। वर्ष 1973 की 1 जुलाई को इटावा के सैफई में मुलायम सिंह यादव के घर पत्नी मालती देवी ने बेटे को जन्म दिया। जब बेटे का जन्म हुआ उस समय भी मुलायम सिंह गांव से दूर ही थे। उस समय मुलायम सिंह जनसंपर्क के साथ जैन इंटर कॉलेज में लेक्चरर भी थे। अखिलेश के चाचा अभय राम को उनका बचपन अच्छे से याद है। उन्होंने बताया है कि अखिलेश 4 साल तक गांव में पले बड़े। 4 साल बाद अखिलेश को इटावा बुला लिया गया। इसके कुछ दिन बाद अखिलेश अपनी शुरुआती पढ़ाई के लिए धौलपुर चले गए। चाचा की माने तो बचपन में भी अखिलेश कभी चुप नहीं रहे, कभी एक जगह बैठे नहीं। अखिलेश जब 4 साल के थे तब उनका दाखिला इटावा के सेंट मेरी स्कूल में करवाया गया। जब अखिलेश स्कूल में दाखिला लेने गए, इस दौरान भी मुलायम सिंह यादव उनके साथ नहीं थे। आमतौर पर घर के बड़े या माता पिता बच्चे का नाम रखते हैं, लेकिन इस बच्चे ने अपना नाम खुद चुना। चाचा शिवपाल यादव बताते हैं कि जब इटावा में कन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराया गया तब इनका नाम अखिलेश रखा गया। अखिलेश अपने चाचा राजपाल के साथ बैठकर स्कूल आया जाया करते थे, पर स्कूल आने जाने का ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला। ये वो दौर था जब प्रदेश में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की आपसी कलह के बाद यूपी सरकार गिर गई, मुलायम सिंह यादव मंत्री नहीं रहे। दूसरी ओर इटावा की सियासी हवा भी बदल रही थी। इटावा से सटे चंबल में डाकुओं का जोर बढ़ रहा था। चंबल के डाकू जाति और राजनीतिक खेमों में बट रहे थे। मुलायम पर यह आरोप लगा कि पिछड़ी जाति के डाकुओं को उनकी सह मिल रही है। ऐसे माहौल में मुलायम सिंह को बेटे की सुरक्षा की फिक्र होने लगी। चिंता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वर्ष 2080 में अखिलेश का स्कूल जाना बंद करा दिया गया। अखिलेश ने अभी तीसरी क्लास तक की ही पढ़ाई की थी। तीसरी कक्षा के बाद अखिलेश को घर पर ही पढ़ाया जाने लगा। अंग्रेजी के शिक्षक अवध किशोर वाजपेयी को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। अखिलेश को बाहर के किसी बड़े स्कूल में दाखिले की तैयारी कराई जा रही थी। शिक्षक अवध किशोर वाजपेयी बताते हैं कि मुलायम सिंह खुद घर आए थे। उन्होंने बेटे का नाम हाथ में हाथ देकर रखा और कहा कि अब तुमको ही देखना है, हमारे यहाँ कोई अंग्रेजी जानने वाला नहीं है। आगे की पढ़ाई के लिए अखिलेश का ग्वालियर के सिंधिया स्कूल भेजा गया था, लेकिन फिर फैसला बदल दिया गया। अखिलेश के टीचर रहे अवध किशोर ने धौलपुर मिलिट्री स्कूल का नाम सुझाया और मुलायम सिंह मान गए। पहाड़ी पर बसे मिलिट्री स्कूल से अखिलेश ने नए सफर की शुरुआत की। यहाँ अखिलेश ने कक्षा 6 में दाखिले की परीक्षा पास की और फिर इंटरव्यू हुआ। अखिलेश को मिलिट्री स्कूल में दाखिला मिला और उस समय एडमिशन फीस लगी 2,950 रुपए। मुलायम सिंह यादव के आग्रह पर अखिलेश को उदयभान हॉस्टल भी मिला। स्कूल के कड़े अनुशासन के बीच अखिलेश ने चिट्ठी शुरू की, जिसमें कभी उन्होंने अपना नाम टीपू तो की अखिलेश यादव लिखा। अखिलेश ने 12वीं तक की पढ़ाई धौलपुर स्कूल में की। इस दौरान वो घर परिवार के माहौल से दूर रहे।
उन दिनों अखिलेश की माँ बीमार रहती थी, पिता मुलायम सिंह यादव राजनीति में व्यस्त थे। एक बार मुलायम सिंह ने बेटे के लिए चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा, मेहनत से पढ़ाई करो काम आएगा। धौलपुर मिलिट्री स्कूल के 7 सालों ने अखिलेश को रफ टफ बना दिया था। यहाँ 12वीं की पढ़ाई के बाद छात्र आमतौर पर सेना की सेवा में जाना पसंद करते हैं, लेकिन अखिलेश ने कुछ और ही सोच रखा था। बाद में इरादा बदला और वो मैसूर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एनवायरमेंटल स्टडीज की पढ़ाई करने चले गए। अखिलेश ने आज जय श्री रामा राजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। उस समय मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। अखिलेश पिता के रुतबे और सियासी छाया से दूर मैसूर में एक आम छात्र के रूप में पहुंचे थे। मैसूर से बीटेक करने के बाद अखिलेश लखनऊ लौट आए। वो एनवायरमेंटल साइंस से एमटेक करना चाहते थे, कहां से करना है यह तय नहीं था। अखिलेश लखनऊ में अपना खाली वक्त दोस्तों के साथ बिताते थे। उन्हीं दिनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए अखिलेश की जिंदगी में एक लड़की दोस्त बनकर आई। नाम था डिंपल यादव। डिंपल उस समय लखनऊ में पढ़ाई कर रही थी। डिंपल उत्तराखंड की थी और पिता सेना में अफसर थे। दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातों का दौर शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन अखिलेश और डिंपल के प्रेम को भी लंबे संघर्ष से गुजरना था। इस दौरान अखिलेश ने एमटेक की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में दाखिला लेना तय किया। अखिलेश के लिए देश से बाहर जाने का यह पहला अनुभव था। अखिलेश सिडनी में खामोशी के संग डिंपल के साथ जिंदगी के सपने बुन रहे थे। तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह के सियासी जीवन में हलचल मची थी। वर्ष 1996 मुलायम सिंह चुनाव जीत कर संसद पहुंचे थे। वही केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन चल पाई थी। बहुमत साबित करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वाजपेयी सरकार गिरते ही लेफ्ट और कई क्षेत्रीय पार्टियों का संयुक्त मोर्चा सक्रिय हो गया। इसमें मुलायम सिंह की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी भी थी। संयुक्त मोर्चा ने कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री पद की रेस में मुलायम सिंह यादव का नाम भी सामने आया, लेकिन संयुक्त मोर्चे का एक धड़ा मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के समर्थन में नहीं था। खींचतान के बीच एडी देवगौड़ा पीएम बने और मुलायम सिंह को इस सरकार में रक्षा मंत्री का पद मिला। यूपी से दिल्ली तक मुलायम राजनीति के दाव पेच में फंसे थे। इस सब से दूर सिडनी में जिंदगी अखिलेश को एक नए मोड़ पर ले आई थी। इन दिनों अखिलेश और डिंपल के बीच प्यार परवान चढ़ रहा था। अखिलेश जब सिडनी से लौटे तो उन पर शादी करने का दबाव बनाया जाने लगा। वहीं अखिलेश ने परिवार वालों को अभी तक डिंपल और अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक किसी से छिप नहीं सकी। बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश से अपनी बेटी की शादी की बात चलाई थी। वहीं मुलायम सिंह भी बेटे की शादी को लेकर परिवार के दबाव में थे और बेटी की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को मुलायम ठुकरा नहीं पाए और मान गए। विवाह का कार्यक्रम सैफई में रखा गया। इस शादी में जुटे मेहमानों से मुलायम के राजनीतिक कद और लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता था। 24 नवंबर 1999 में हुई शादी समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत देश के 3 पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, बीपी सिंह, चंद्रशेखर मौजूद थे। अलग अलग राजनीतिक दलों के कई राजनीतिक दिग्गजों से लेकर उद्योग और फिल्म जगत की हस्तियां सैफई में जुटे थे। शादी के बाद अखिलेश और डिंपल की नई जिंदगी शुरू हुई थी। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने संभल और कन्नौज 2 लोकसभा सीटों से चुनाव जीता था। बाद में मुलायम ने कन्नौज लोकसभा सीट छोड़कर यहां पर अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में उपचुनाव में कई दावेदार थे, लेकिन आखिर में इस सीट से मुलायम ने बेटे अखिलेश को उम्मीदवार बनाया। कन्नौज सीट से अखिलेश की उम्मीदवारी की घोषणा होते ही समाजवादी पार्टी पर चारों ओर से वंशवाद की राजनीति का हमला होने लगा। ये वही कन्नौज सीट थी जहाँ से समाजवादी आंदोलन जन के पुरोधा राम मनोहर लोहिया जीतकर संसद पहुंचे थे। राजनीति के दाव पेच, चुनावी रणनीति, प्रचार का तरीका, सियासत का मंच, ये सब अखिलेश के लिए बिल्कुल नया था। 27 साल के अखिलेश ने पेंट शर्ट में जीन्स पहनना छोड़कर खादी का सफेद कुर्ता, पैजामा, काली जैकेट और काले जूते पहन लिए।
अखिलेश ने जिंदगी का पहला चुनाव कन्नौज से जीता और एंट्री हुई और यहां से शुरू हुई धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव की युवराज को विरासत सौंपने की कहानी। अखिलेश के सभा में आने से एक बड़ा बदलाव आया। पार्टी का एक युवा तबका अखिलेश को अपने नेता के चेहरे के रूप में देखने लगा। साल 2001 में यूपी में बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, यूपी विधानसभा चुनाव की दहलीज पर था और अखिलेश युवा ब्रिगेड के साथ सड़कों पर उतरे। वो बीजेपी के खिलाफ खुलकर हल्ला बोल रहे थे। कन्नौज में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी। अखिलेश के इस तेवर ने समाजवादी पार्टी में नई जान फूंक दी। वर्ष 2002 का विधानसभा चुनाव था। मुलायम सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में थे। तय हुआ कि पार्टी के प्रचार का चेहरा अखिलेश को बनाया जाएगा। अखिलेश यादव की अगुवाई में क्रांति रथ यात्रा निकाली गई। 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी सरकार बनाने में असफल रही। मायावती बीजेपी से हाथ मिला लिया और यूपी में गठबंधन की सरकार बनी और मायावती मुख्यमंत्री बन गई। बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन 1.5 साल भी नहीं चल पाया। इसके बाद मुलायम बीएसपी के बागियों और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने में सफल रहे। 2009 लोकसभा चुनाव में अखिलेश कन्नौज और फिरोजाबाद सीट से खड़े हुए और दोनों पर जीत दर्ज की। फिरोजाबाद सीट से हुए उपचुनाव में बहु डिंपल खड़ी हुई, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान 2009 में अखिलेश को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पहले ये पद चाचा शिवपाल यादव के पास था, लेकिन 2012 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश फुल फॉर्म में थे। एक बार फिर क्रांति रथ यात्रा निकाली गई, कई जगह साइकिल यात्रा भी निकाली। वो मायावती सरकार के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। 2012 में 403 विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को 224 सीट मिली। इस जीत के साथ यह तय हो गया कि अखिलेश ही यूपी के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उनकी कैबिनेट में शिवपाल यादव और आजम खान थे और सबसे ऊपर मुलायम सिंह यादव। फिर आया वर्ष 2017, जब पार्टी से शिवपाल को साइडलाइन कर दिया गया और अखिलेश ने पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इस दौरान समाजवादी पार्टी की कलह मंचों पर आ गई। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी नई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना ली। मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर जब उपचुनाव हुआ और डिंपल के साथ अखिलेश ने चाचा शिवपाल से सुलह कर ली, डिंपल को मैनपुरी सीट से प्रचंड जीत हासिल हुई, जिसके बाद शिवपाल यादव एक बार फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें महासचिव का पद दे दिया गया। इस तरीके से अखिलेश यादव की हुई राजनीति में एंट्री और ये था अखिलेश यादव का पूरा जीवन परिचय। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।